आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम चैप्टर करेंगे द एलिंग प्लान द ग्रीन मूवमेंट्स रोल तो ये चैप्टर बेसिकली एक आर्टिकल है तो हम इसके आगे पढ़ते हैं कि किसने लिखा है और किस बारे में है एग्जैक्टली तो ये स्टोरी वैसे लिखी है मतलब जो ये आर्टिकल है वो लिखा है nani palkiwala ne. and the chapter's name is the ailing planet the green movement's role the following article was written by nani palkiwala and published in the indian express on 24th november 1994. so this article was nani palkiwala which was published in the indian express mein on 24th november 1994. the issues that he raised regarding the declining health of the earth continues to have relevance तो जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी बेसिकली जो उन्होंने इश्यूज को रेज किया था उस आर्टिकल में और वो था किस बारे में डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ़ द अर्थ के बारे में मतलब अर्थ की जैसे हेल्थ जो है वो कैसे डिक्लाइन कम होती जा रही है तो वो कह रही है कि अभी भी उसका उतना ही रेलिवेंस है जितना तब था जो नाइनटीन में लिखा गया था वन के नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हेज स्क्रिप्ट इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्पलीटली एंड सो रैपिडली एज अ ग्रीन मूवमेंट तो उन्होंने बोला है कि जो ग्रीन मोवमेंट है उसकी तरह आज तक दुनिया में कोई भी पूरी दुनिया में पूरी ह्यूमन रेस में आज तक ऐसा कभी भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ जिसने कभी ऐसे लोगों का ग्रिप करा हो इमेजिनेशन मतलब इमेजिनेशन को पकड़ा हो जितना ग्रीन मूवमेंट ने करा है तो विच स्टार्ट तो न्यूजीलैंड में फर्स्ट टाइम उनका नेशन वाइड ग्रीन पार्टी को फाउंड किया गया था 1972 में सिंस देन द मोमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक तो उसके बाद से हमेशा से ये मोमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है उसको कभी भी ऐसे फालतू तो नहीं समझा गया वी हैव शिफ्टड वन होप्स इरेविकबली तो उन्होंने बोला है कि हमने अपनी जो होप्स है वो शिफ्ट कर दिया है इरेविकबली मतलब कि अब वो फिर से रिवर्स नहीं होगा फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड तो एक पहले मेकनिस्टिक व्यू होता था जिसमें मतलब अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर हम जितने भी रिसोर्सेज हैं अर्थ के सब यूज़ करेंगे हमें कोई नहीं रोकेगा हम सोचेंगे भी नहीं किसी और के बारे में बट अब होलिस्टिक व्यू ये है कि एज अ होल पूरे अर्थ को कंसिडर किया जाए और इकोलॉजिकल व्यू मतलब हमारे अर्थ को अच्छे से हेल्दी रखा जाए स्टिल मतलब उसको ऐसे एक्सप्लॉइट ना किया जाए उसका फ़ायदा ना उठा जाए इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी एज दैट तो ये इतना एक शिफ्ट है ह्यूमन परसेप्शन में और इतना ज़्यादा रिवोल्यूशनरी रहा है ग्रीन मूवमेंट uh, जितना इंट्रोड्यूसड बाय कपोर्निकस हु टॉट मैन काइंड इन दिक्कसटीन्थ सेंचुरी तो सिक्सटीन सेंचुरी में जितना कपोर्निकस ने हमें एक चीज़ सिखाई है सिक्सटीन सेंचुरी में वो क्या सिखाई है दैट द अर्थ एंड द अदर प्लान रिवॉल्व अराउंड द सन कि जो अर्थ और अदर प्लानट्स हैं वो सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो जब लोगों को ये पता चला तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री दर वॉज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस द अर्थ इट सेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिजम तो ये पता चलने के बाद सबको पता चला कि अर्थ जो है वो खुद भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको एक्सप्लोइट नहीं कर सकते ऐसे क्योंकि उसको भी उसकी भी कुछ नीड्स होती है इट हैज टू बी हेल्थी एन अनॉर्मियस बींग ऑफ विच वी आर पार्ट्स तो वो एक बहुत बड़ा अनॉर्मियस बींग है मतलब एक लिविंग थिंग है और वो अनॉर्मियस मतलब बहुत बड़ा है और जिसके हम छोटे छोटे पार्ट्स हैं इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स मतलब उसकी एक अपनी मेटाबॉलिक नीड्स है मतलब अपनी बॉडीली नीड्स है एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व और कुछ वाइटल प्रोसेस हैं कि उनको उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा जो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए जिसको और प्रजर्व भी करना चाहिए मतलब बचाना भी चाहिए और जो अर्थ के अभी वाइटल साइंस हैं वो ऐसे रिवील करते हैं मतलब उनके साइंस ऐसा रिवील करते हैं कि वो एक पेशेंट है और वो बस डेथ की टूअर्स बढ़ रहा है डिक्लाइनिंग डेथ मतलब धीरे धीरे वो डेथ होने वाली है उसकी धीरे धीरे बहुत ही पास आ रहा है उसकी मौत उसके बहुत पास आ रही है वी हैव बिगन टू रियलाइज आर एथिकल ऑब्लिकेशन टू बी गुड स्टीवर्स ऑफ द प्लानट तो हम लोगों ने इस आर्टिकल के बाद मतलब रियलाइज किया कि अब हमें एथिकली कुछ करना पड़ेगा मतलब अपने मॉरली एज एन एथिकल का मीनिंग होता है कि अब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसिडर uh, करना पड़ेगा एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हमें उसको अपनाना पड़ेगा कि ठीक है अब हम सब कुछ ठीक ठाक करेंगे ऑब्लिगेशंस मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हमें गुड स्टीवर्स ऑफ द प्लानट बनना है कि अब हमें अच्छे से प्लानट को ट्रीट uh, करना है एंड रिस्पॉन्सबल ट्रस्ट ऑफ़ द लेगेसीनरेशन और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हमें रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बनने हैं कि वो हमें ट्रस्ट कर सके कि हम उनके लिए रिसोर्स बचाएंगे आगे दानसेप्टल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज इन नाइनटीन एटी सेवन बाई द वर्ल्ड कॉमिशन ऑन एनवाइ एंड डेवलपमेंट तो दैस दिस कॉन्सप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है बेसिकली कि हम लोग सारे के सारे रिसोर्स अभी ना यूज करें और अपने आने वाले जेनरेशन्स के लिए भी बचाएं क्योंकि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और फिर ये पॉपुलर हुआ था 1987 में जब वर्ल्ड कमीशन हुआ ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इट इज इन इट्स रिपोर्ट्स इट डिफाइन्स द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट तो उसके रिपोर्ट में ऐसे बताया गया है कि जो उसके डेवलपमेंट है डेवलपमेंट इस तरह से करो कि आज के नीड्स पूरी हो जाए मतलब जो भी हमारी आज की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अबिलिटी ऑफ फ्यूचर generations. तो पर इस तरह कि हम आगे जो फ्यूचर generations को भी उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और उनके लिए कम ना पड़े कॉम्प्रोमाइज मतलब आगे जो फ्यूचर जनरेशन्स आ रही है उनके लिए कम पड़ेगा तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे दैट इज़ Without stripping the nature, uh, natural world of resources future generations would need. Matlab Esi natural resources ko strip nakaro matlab ese nga matkaro ki jo age future generations ko bhat kame madlabunse chinomat stripping Matlab Chinomat In the zoo at Lusaka, Zambia there is a cage where the notice reads The world's most dangerous animal inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. तो जाम्बिया लुगुसाका में एक जू है वहाँ पर एक केज है जहाँ पे लिखा है कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल तो वहाँ पर लिखा है सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल उसके सामने कैसे बोर्ड नोटिस लगा हुआ है तो हम सोचेंगे कि अंदर एक एनिमल होगा बहुत ही ज्यादा डेंजरस सा बट आगे हम देखते हैं कि अंदर केज के अंदर कोई एनिमल नहीं है बल्कि एक मिरर है मतलब एक शीशा है जहाँ पे तुम खुद को देख सकते हो thanks to the efforts of a number of agencies in different countries a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world तो वो कहते कि शुक्रिया उन लोगों को उन एजेंसीज को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एजेंसीज ने एक एफर्ट डाला है कि एक नई अवेयरनेस पैदा हो मतलब सबको पता चले कि सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल हम हैं दुनिया में और थोड़ा हम अपने आप को कंट्रोल में रखें ही has realized the wisdom of shifting from a system बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप तो उसमें इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि विजडम क्या है हमारे लिए सच क्या है और अच्छा क्या है वो ये होगा कि अगर हम शिफ्ट करें ऐसे सिस्टम से जिसमें हम डोमिनेंस ना दिखाए दूसरों के ऊपर मतलब अपना हक ना जताए उसकी जगह हम पार्टनरशिप करें कि ठीक है तुम्हें इतना चाहिए हमें इतना चाहिए तो हम साथ, -साथ एक साथ मिल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ जितना हो सके हम लेंगे टाइप एटीट्यूड साइंटिस्ट्स हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज स्पीशीज विद विच मैन काइंड शेयर द अर्थ तो फिर साइंटिस्ट ने ऐसे कैटलॉग किया है पूरा का पूरा मतलब लिस्ट किया है 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज जिसके साथ हम एनिम मतलब मैन काइंड लिविंग क्रीचर्स शेयर करते हैं इस अर्थ को एसटीमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड टेलॉग लिविंग स्पीसीज तो एस्टिमेट्स ऐसे बताते हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे अनकैटेलॉग लिविंग स्पीसीज भी हैं जो हमने अभी तक कैटेलॉग भी नहीं करे मतलब हमें पता भी नहीं है कि ऐसी भी स्पीसीज है बायोलॉजिंग दैट अबाउट थ्री टू हंड्रेड मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्वेज अन इकोनॉमियस डार्कनेस तो वो बोलते हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज लिविंग स्पीसीज है जिनके हमें नाम भी नहीं पता जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है और वो ऐसे डार्कनेस में मतलब अंधेरे में हैं अभी भी हमें जिनके बारे में पता भी नहीं है हम अवेयर भी नहीं हैं लैंग्वेज का मतलब है कि अभी भी ऐसी अलग सी जगह में छिपे हुए हैं मतलब उन्हें अभी तक ऐसे कुछ अनप्लेजेंट प्लेस में वो अभी तक पड़े हुए हैं अननेम्ड इन इग्नोम इग्नोमिनियस डार्कनेस इग्नोमिनियस डार्कनेस इज लाइक जहाँ पे डिसरेस्पेक्टफुल सी एक जगह पे बस ऐसे फेंक दिया हो समथिंग लाइक दैट द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच टेल्ट इंटर एलिया तो जो अर्ली इंटरनेशनल कमीशन्स थी तो इंटर एलिया मतलब एक दूसरे के साथ मतलब अंदर ही इंटरनली विद क्वेश्चन इकोलॉजी एंड एनवाइ वॉज द ब्रांड कमीशन विच हैड्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेम्बर्स तो उस पूरे कमीशन में एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन था मतलब डिस्टिंग मतलब जाने माने डिस्टिंगश्ड इंडियन थे जिसका नाम था मिस्टर एल के झा द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन तो पहला जो ब्रांड रिपोर्ट था उसमें क्वेश्चन आया आई वी टू लीव आक्सेसॉ प्लानसिंग डिजर्ट तो वो कि ये आया क्वेश्चन की जो हमारे सक्सेसर्स हैं मतलब हमारे आगे जो लोग आने वाले हमारे जो बच्चे आएंगे आगे की जो पीढ़ियाँ आएँगी क्या हम उनको ऐसे स्कॉचड प्लानट देंगे जहाँ पे डिजर्ट आने वाला बस इम्पॉवरिश लैंडस्केप्स आन एलिंग एन्वायरमेंट और इम्पॉवरिश लैंडस्केप्स मतलब बिल्कुल ही नॉट प्स जैसे सीनरीज वगैरह एलिंग एनवायरनमेंट और लाइक हमारा जो एनवायरनमेंट है पूरा दर्द में है स्कॉस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म हीटेड और इम्पॉवरिश का मतलब तो वही होता है कि मतलब बहुत ही पुअर हालत में छोड़ देना एलिंग मतलब दर्द में मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन इज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर तो अपनी एक बहुत ही थाटफुल बुक में मतलब सोच समझ के लिखे वाली लिखी जाने वाली बुक में मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में जो बुक का नाम है उसमें लिखा है पॉइंट आउट किया है कि जो अर्थ का जो प्रिंसिपल है बायोलॉजिकल सिस्टम वो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बेसिकली चार है फिशरीज फॉरेस्ट ग्रास ग्रास एंड क्रॉप तो ये चारों है हमारे

रॉ मटेरियल भी मिलता है जो भी इंडस्ट्री के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो सब भी हमें वहीं से मिलता है पर हमें बस मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डेराइव सिंथेटिक्स वहाँ से नहीं मिल सकते इन चार सिस्टम uh, से नहीं मिल सकते इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूम क्लेम ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल तो बहुत सारी वर्ल्ड के पार्ट्स में लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो हमारे सिस्टम्स है वो एक अनसटेनेबल लेवल पर पहुँच गए मतलब कि आगे जाके बाकी जो हमारी पीढ़ी आ रही है उनके लिए खान, मतलब सामान नहीं बचेगा जो ये है, वो नहीं बचेंगे A point where the productivity is being impaired. तो एक पॉइंट पे आ गया है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इम्पेयर हो रहा है मतलब वो डिमिनिश uh, हो रहा है धीरे धीरे मतलब वो खराब हो रहा है इम्पेयर्ड मतलब खराब होना और जो प्रोडक्टिविटी होती है कि वो कोई भी रिसोर्स होगा या कोई भी जो हमारे सिस्टम्स हैं उनसे हम प्रोडक्टिविटी कर, मतलब कर ही नहीं सकते मतलब उनका टोटल कंप्लीट यूज कर ही नहीं सकते वेन दिस फिशरीज है अगर ये होता है तो फिशरीज कोलैप्स हो जाएंगी फॉरेस्ट डिसअप्योर हो जाएंगे मतलब गायब हो जाएंगे ग्रास लैंड आर कन्वर्टेड इन टू बारेट लैंड और जो ग्रास लैंडस है अच्छी सुंदर सुंदर ग्रास लैंडस है वो सारे बारेन वेस्ट लैंड हो जाएंगे मतलब वहां पे बस जंक वगैरह फेंका जाएगा एंड क्रॉप प्लांट्स डिटेरिएट तो जो क्रॉप प्लांट्स है वो भी खराब हो जाएंगी मतलब जो ऑलरेडी गंदी हालत में उसको और खराब हो जाएगा उनका हालत इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड एक हम किस वर्ल्ड में रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन कॉन्शियस है और प्रोटीन हंग्री है मतलब हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए होता है ओवर फिशिंग इज कॉमन तो ज्यादा फिश को मारना बहुत ही ज्यादा कॉमन है इन पोअर कंट्रीज मतलब जो कंट्रीज वेल ऑफ नहीं है और जहाँ पे रिसोर्सिस की कमी है लोकल फॉरेस्ट आर बींगेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग मतलब जो लोकल फॉरेस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड मतलब बिकॉज उन्हें खाना बनाने के लिए फायरवुड चाहिए इन सम प्लेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट कुछ जगहों में ऐसा भी हुआ है कि फायरवुड इतना ज्यादा मतलब खाना बनाने के लिए जो वुड है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही ज्यादा उसका प्राइस हाई हो गया है दैट वट गोज आंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर दैन वट गोज इन साइड कि जो तुम्हारा फायरवुड है तुम जो जला रहे हो खाना बनाने के लिए वो ज्यादा कॉस्ट कर रहा है तुम्हारे खाने से सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द न्यू वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो डॉक्टर मायर्स के हिसाब से इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन मतलब जो एवोल्यूशन है वो वहीं से होगा सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन और फिर काफ़ी जो स्पीसीज हैं एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं मतलब खत्म हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इस डिस्ट्रक्शन बिकॉज हम सारा का सारा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं अगर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो नई स्पीशी मतलब जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही है मतलब खत्म ही हो रही है क्योंकि एवोल्यूशन नहीं हो पा रहा इट हैज वेल सेट दैट फॉरेस्ट प्रिसीड मैन काइंड फॉलो तो इसमें सच ही बोला गया है कि फॉरेस्ट जो है मैनकाइंड को पहले एक कदम आगे चलती है और जो डेजर्ट्स होते हैं वो पीछे पीछे फॉलो करते हैं द वर्ल्ड एंशन पैट्रीमनी रेट ऑफ फोर्टी टू फिफ्टी मिलियन एकर्स ईयर तो जो पैट्रीमनी होता है वो होता है जैसे एक फादर uh, का अपना सारा जायदाद वगैरह वो अपने बच्चे के टूअर्स जाएगा नेक्स्ट वन ही डाइज तो फिर वही होता है पैट्रीमनी कि उनका धन संपत्ति उन उनपे ट्रांसफर होना तो जो हमारी दुनिया है उसका एंशंट जो पैट्रीमनी है मतलब पुराना जो पैट्रीमनी है ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब जो हमारी संपत्ति है ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो अब इरोड हो रही है मतलब बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है एट अ रेट ऑफ इस रेट पे कि 40 टू तो 50 मिलियन एकर्स अ ईयर 40 टू तो 50 मिलियन एकर्स ऐसे ही इरोड हो रहे हैं मतलब खराब हो रहे हैं एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइज द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नैचुरल फर्टिलाइजर तो अब जब लोगों के पास फायरवुड नहीं है तो इसीलिए वो डंग यूज कर रहे हैं डंग मतलब काउडंग मतलब गोबर तो अब वो यू आ, गोबर को यूज कर रहे हैं तो फिर उसका सॉइल जो है हमारी जो सॉइल है उसको इम्पोर्टेंट नैचुरल फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा क्योंकि डंग वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइजर होता है तो हमारा सॉइल भी खराब होते जा रहा है द वर्ल्ड वाइंड एस्टिमेट फाइव फोल्ड इंक्रीज इन the रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद the एक्सपेक्टेड fuel wood डिमांडेड इन the year 2000s. तो जो वर्ल्ड बैंक है वो ऐसे एस्टिमेट करते हैं कि एटलीस्ट फाइव टाइम्स हमारा जो रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग है मतलब जिस हिसाब से हमारे फॉरेस्ट का ग्रोथ हो रहा है उसको फाइव टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें फ्यूल चाहिए टू थाउजेंड ईयर्स मतलब टू थाउजेंड्स के टाइम पर जो हमें एक्सपेक्टेड होगा जितना हमें जरूरत होगा वो हमें मिलेगा नहीं वरना। जेम्स पेज द प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट सेट द अदर डे तो जो जेम्स स्पेथ हैं वो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक दिन बोला था वी वॉज सींग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर अ सेकेंड बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकर एंड अ हाफ टू अ सेकेंड तो वो बोलते हैं तो वो उन्होंने बोला था कि जो फॉरेस्ट हैं हम वो लूज कर रहे हैं हर सेकंड मतलब हर सेकंड एक एकड़ ऑफ फॉरेस्ट हम लूज कर रहे हैं मतलब हमारे हाथ से जा रहा है बट उससे भी ज़्यादा गंदा हाल है हमारा हम एकर एंड हाफ़ मतलब वन एकड़ प्लस हाफ ऑफ वन एकड़ हर एक सेकंड लूज़ कर रहे हैं आर्टिकल फोर्टी एट एफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट जो हमारा आर्टिकल फोर्टी एट है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है the state shall endeavor to protect and improve the environment तो जो state है उसको हमेशा endeavor मतलब try करते रहना चाहिए बहुत ही passion के साथ कि तुम अपना environment को protect करो और साथ ही साथ उसको अच्छा भी बनाओ comparatively improve भी करो and to safeguard the forests and wildlife of the country और साथ ही साथ जो forest है और जो wildlife है हमारी country का उसको बचाओ भी safe भी रखो उसको बट वॉट कॉज एंडलेस आंग्वेज इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एन्फोर्सड इन इंडिया पर यहाँ पे बुरी बात क्या है आंग्वेज मतलब बहुत ही ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि इंडिया में कोई भी लॉज को सीरियसली नहीं लेता रिस्पेक्ट ही नहीं करता और ना तो कोई इन्फोर्स करता है कि अगर तुम तो उसे ना भी फॉलो कर रहे हो तो फिर तुम्हें कोई कुछ बोलेगा नहीं फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेजदार कास्टिज्मिलिटी अनबाउंड लेबर शाल बी अबॉलिश जैसे ये चीज़ें हैं कास्टिज़म अनटचबिलिटी मतलब छूना नहीं है किसी को क्योंकि अगर वो छोटे कास्ट से हैं फिर कास्ट पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश करना उनको गलत ट्रीट करना और बॉन्डेड लेबर की तुमने लोगों को अपने लेबर वाले फसा रखा है लेबर्स की वजह से जैसे तुम हमेशा पूरी लाइफ हमारे ही लेबर रहोगे उनको डेट में घुसा दो किसी तरह ट्रिक कर दो ये सब भी अबॉलिश था मतलब ख़त्म कर दिया गया था बट स्टिल पीपल प्रैक्टिस इट साथ के साथ बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर फोर्टी फोर ईयर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अब इस बात को फोर्टी फोर ईयर्स हो रहे हैं और तब भी हम अभी तक ये बातें चल रही हैं हमारे इंडिया में अभी तक ये फ्लरिश हो रही है मतलब और बढ़ रही हैं शेमलेसली मतलब बिना शर्म के अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आर पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमिटीज हैज हाईलाइट द नियर कैटास्ट्राफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरस्ट ओवर द लास्ट फोर डेके तो जो एक रिपोर्ट निकली गई थी पार्लियामेंट Parliament की पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी उन्होंने दिखाया कि हाईलाइट किया मतलब हमारे अटेंशन में लाया कि बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन हुआ है हमारे इंडिया के फॉरेस्ट में कैटास्ट्रोफिक मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और वाइड बहुत ही ज़्यादा बड़ा मास uh, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में डिप्लीट हुआ है मतलब कम हुआ है इंडिया के फॉरेस्ट Over the last four decades. So, पिछले चार में इतना ज्यादा हाल खराब हुआ है हमारे का इंडिया में डेट्स होते हैं तो so, मतलब चार अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज लूजिंग इट्स एट अ रेट ऑफ थ्री पॉइंट सेवन मिलियन एकर्स ईयर तो एक रिलायबल uh, डेटा मतलब जिसपे हम भरोसा कर सके ऐसे एक जगह से हमें डेटा uh, मिला है मतलब इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारे जो कंट्री है इंडिया में फॉरेस्ट 3.7 मिलियन एकर्स हर साल लूज कर देता है मतलब गवा देता है लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड जो ऐसे बहुत बड़ी बड़े बड़े एरियाज होते हैं जो ऑलरेडी डेजिग्नेट कर रखे कि ये सिर्फ फॉरेस्ट लैंड ही रहेगा यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता यहाँ पे कोई काट नहीं सकता पेड़ आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलर्स वो ऑलरेडी देखने से ही पता चलता है मतलब वर्चुअली मतलब वॉट यू कैन सी तो वो देख के ही पता चलता है कि वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाई गवर्नमेंट तो जो एक्चुअल लॉस है हमारा एक्चुअल फॉरेस्ट लॉस जो है वो एक्चुअली में है एट टाइम्स द गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स तो जो गवर्नमेंट हमारा दिखाता है कि हमारा इतना फॉरेस्ट लॉस हुआ है बट एक्चुअली में उसका एट टाइम्स है अ थ्री ईयर स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाई द यूनाइटेड नेशंस वॉन्स दैट द इनवाज डिटेर सो बैडली दैट इट इज क्रिटिकल इन मैनीट कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड तो एक तीन साल की स्टडी थी जो इसमें सेटेलाइट यूज हुए जो हमारे स्पेस में होते हैं सो दैट लाइक वी कैन सी एवरी थिंग इन द अर्थ तो सैटेलाइट यूज़ करके और एरियल फोटोग्राफी मतलब हवा में फोटोग्राफी खींची हुई मतलब हवा से ऊपर से फोटोज ली हुई उन लोगों ने कंडक्ट किया इनके थ्रू एक स्टडी कंडक्टेड बाय द नेशंस यूनाइटेड नेशंस ने ये कंडक्ट करी थी तो उसमें ये वॉन करते हैं दैट इन्वायरमेंट हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है डेटरीरेट मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्स हालत होती, होती जा रही है उसकी इतना ज़्यादा हो रहा है ऐसा कि इट इज़ क्रिटिकल लाइक ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इतना ज़रूरी है कि उस पर अभी एक्ट करना पड़ेगा इन मैनी ऑफ द एटी एट कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड और आउट ऑफ इतने सारी कंट्रीज एटी एट कंट्रीज में तो ये डेफिनेटली क्रिटिकल है कि अभी के अभी इस पर एक्ट करो वरना बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट हो जाएगा हमारा इको सिस्टम दे कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी सोसाइटी तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जो ग्रोथ हो रही है हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन की ये बहुत ही बड़ा स्ट्रोंग फैक्टर है लाइक स्ट्रॉगेस्ट फैक्टर है इन फैक्ट कि हमारा डिस्टॉर्ट हो रहा है मतलब खराब हो रहा है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मतलब आगे के फ्यूचर के लिए ये सब कुछ खराब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं पॉपुलेशन की इट टुक मैनकाइंड मोर दैन अ मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन जो फर्स्ट बिलियन मतलब इंसान हुए थे तो उस तक पहुंचने के लिए मैनकाइंड को कम से कम मिलियन ईयर्स तो लगे ही थे दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड दर एटीन हंड्रेड्स तो ये पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन हुई थी रहा करती थी एटीन हंड्रेड्स में बाई द ईयर नाइनटीन हंड्रेड सेकेंड बिलियन वॉज एडिड तो मतलब कुछ सालों बाद मतलब नाइनटीन हंड्रेड में सेकेंड बिलियन एड हो गए अंड ट्वेंटी ऐथ सेंचुरी हैज़ एडेड अनादर थ्री पॉइंट फाइव बिलियन और फिर बाई द टाइम वी केम टू दार्ट कि हम ट्वेंटी एथ सेंचुरी में पहुँच गए तब तक थ्री पॉइंट सेवन बिलियन लोग और बढ़ चुके थे द प्रजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिटेड एड फाइव पॉइंट सेवन बिलियन तो अब अभी का जो पॉपुलेशन है उसमें फाइव पॉइंट सेवन बिलियन है एवरी फ़ोर डेज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज़ बाई वन मिलियन तो हर चार दिनों में कम से कम वन मिलियन से रोज़ पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है फ़र्टिलिटी फॉल्स एज़ इनकम रो हमारी फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है जैसे हमारा इनकम बढ़ता जा रहा है मतलब लोग थोड़े बच्चे कम पैदा कर रहे हैं कंपेरिटिवली लाइक जैसे जैसे लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो लोग थोड़ा कॉन्शियस हो रहे कॉन्शियस हो रहे हैं कि ठीक है ज़्यादा लाइक पॉपुलेट नहीं करना एजुकेशन स्प्रेड्स और फिर लाइक सबके सब एजुकेशन सब ले रहे हैं तो अच्छी बात है सबको पता है कि भाई कितना ज़रूरी होता है हर एक चीज़ अवेयर हो जाते हैं लोग हेल्थ इंप्रूव्स लोगों लोग अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं तो इस हिसाब से एटलीस्ट लाइक जो जनरल पब्लिक है वो अवेयर है कि ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी है कि सही बैलेंस में रखा जाए दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रोसेप्टिव तो डेवलपमेंट इन जनरल लाइक ये सब चीज़ें बढ़ रही है तो बेसिकली हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारा अर्थ को बचाने के लिए बेस्ट कॉन्ट्रोसेप्टिव यही है कि सबके सब अवेयर सब हो जाए सबके सब अच्छे से वॉक करें एक साथ तो ये डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रोसेप्टिव बेसिकली पर डेवलपमेंट इज सिर्फ मे नॉट बी पॉसिबल वो कहती कि जब डेवलपमेंट जो है वो अपने आप से पॉसिबल नहीं होगी अगर हम अभी भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे लाइक अपना पॉपुलेशन इंक्रीज़ करना The rich get richer and the poor बिगेट children which condemns them to remain poor. तो जो रिच लोग हैं वो रिच होते जा रहे हैं और ज़्यादा उनके पास पैसा आते जा रहे हैं और जो पुअर लोग हैं वो बिगेट कर रहे हैं मतलब लोगों को एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं और बच्चे दुनिया में ला रहे हैं और वो ऐसे बच्चे हैं जो और condemn हो रहे हैं मतलब वो भी doomed है मतलब वो भी फंस गए अब इस दलदल में कि वो हमेशा पुअर ही रह जाएंगे मोर चिल्ड्रेन डज नाट मीन मोर वर्कर्स तो हमारे ऑथर कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे होना इसका मतलब ये नहीं होता कि ज़्यादा लोग काम करने वाले मिल जाएंगे मेअर् मोर पीपल विदाउट वर्क इट जस्ट मीन्स कि और भी बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा काम करने को कुछ होगा ही नहीं इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैट एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई सजेस्ट नहीं कर रहा मतलब वो ऐसे कोई उपाय नहीं दे रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो कैटल की तरह ट्रीट करे जाए अब मतलब सभी को जबरदस्ती स्टेरिलाइज कर दिया जाए मतलब उनको और रिप्रोड्यूस करने ही ना दिया जाए बट देर इज नो ऑल्टरनेटिव टू वॉल्टरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कूर्जन वो कहते हैं कि ऐसे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मतलब हमारे पास और कोई उपाय नहीं है कोई रास्ता नहीं बचा कि वॉल्टरिली लोग आके फैमिली प्लानिंग करेंगे विदाउट एनी कोअन मतलब मतलब लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते अब लाइक सब के सब उनको जितने बच्चे चाहिए वो उतने कर लेते हैं पर वो नहीं होना चाहिए उनको देखना चाहिए कि हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है तो वो ये कहते हैं कि कोवर्जन के बिना मतलब उनको बिना किसी थ्रेट के वो ऐसे नहीं करेंगे अपने आप से फैमिली प्लानिंग क्योंकि इंडियन माइंड तो ऐसा ही है इनफैक्ट जनरली लाइक पीपल डोंट केयर लाइक एज लॉन्ग एज द पेरेंट्स नो कि दे कैन टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन हैव एज मैनी एज दे तो वो कितने भी कर लेते हैं द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड perpetuation ऑफ poverty. तो जो असली चॉइस है जो हमें मेक करनी है वो ये है कि या तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें या तो जो poverty है उसको हमेशा के लिए रहने दें Perpetuation मतलब कि उसको हमेशा से लाइक आगे के लिए भी हमेशा वो रहेगा हम उसे खत्म करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू तो बी नाइन

टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो जो बाकी कंट्रीज़ के लोग हैं जो फेमिलियर नहीं है कि इंडिया की क्या हालत है फेमिलियर मतलब जिनको जान पहचान नहीं है इंडिया के हालत से कंडीशन से तो वो डाउट करेगा कि भाई द होप ऑफ द पीपल वुड डाए मतलब साम उनको लगेगा कि जो लोग हैं वहाँ पे उनको तो होप ही नहीं होगी उनको पता होगा कि भाई ये मरने वाले हैं हंगर से हंगर हंडस मेंस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवेन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो अगर अगर हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे पॉपुलेशन कंट्रोल को तो फिर सभी के सभी वहाँ पे हंगर से मर जाएंगे उनका इन शॉर्ट ये कहने का मतलब था फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ट्रांसेंडिंग कंसर्न तो हम लोग पूरी हिस्ट्री में पहली बार लाइफ में ये देख रहे हैं कि लोगों का कंसर्न ट्रांसेंड कर रहा है मतलब अपने आप से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है ट्रांसेंडिंग मतलब एक स्टेट से दूसरी लेवल को जाने के लिए दूसरी स्टेट तक जाने के लिए थोड़ा सा कोशिश करना धीरे धीरे वो जा रहा है बदल रहा है द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट बट अब लोगों को सिर्फ अपने आपके सर्वाइवल की चिंता नहीं है वो साथ साथ पूरे प्लानिट की सर्वाइवल के लिए भी सोच रहे हैं वी हैव बिगान टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी प्लेसिस ऑफ आर एग्जिस्टेंस तो हम लोग अब होलिस्टिक व्यू लिख रहे हैं मतलब एज अ होल देख रहे हैं सब कुछ अपने प्लानट के बारे में सोच रहे हैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हमारे पूरे एग्जिस्टेंस इसके ऊपर बेस्ड है द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आर डिमाइस तो जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो जरूरी नहीं है कि हमें सीधा ये बता रहा है कि बस अब मरने वाले हैं डिमाइस मतलब डेथ कि डज नॉट मीन की अपना डेथ नियर है इट इज़ अ पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर बेसिकली हमें अब पासपोर्ट मिला है हमारे फ्यूचर के लिए द इमरजिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशोर्ड इन द ए एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे न्यू बिगिनिंग है बेसिकली कि अब हम वर्ल्ड का विजन ऐसे चेंज कर दिया कि अब हम रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक टाइम ऑफ रिस्पॉन्सिबल होना इट इज अ होलिस्टिक व्यू एन इकोलॉजिकल व्यू एज अ होल लेंगे हम पूरे दुनिया को और इकोलॉजिकल व्यू मतलब हमारी अर्थ की बेस्ट कंसर्न रखें मतलब बेस्ट उसके लिए सोचते हुए काम करना कुछ भी कि हमारा अर्थ डिप्लीट ना हो किसी भी तरह से मदर अर्थ ठीक रहनी चाहिए ंग दर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादा दान डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स तो जो दुनिया है उसको हम इंटीग्रेटेड होल की तरह लेंगे इंस्टेड ऑफ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स मतलब हम अब पूरे अर्थ के बारे में सोचेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट अर कंट्रीज इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है कि अब जब एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज आर द मेन पीपल लाइक जो इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि वही सबसे ज्यादा रिसोर्स एक्सप्लॉयट करते हैं अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ़ मोर बिजनस मैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डू पॉइंट तो वो कहते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा मतलब क्या बदलाव आएगा अगर और भी बिजनेस मैन चेयरमैन डू पॉइंट की तरह सोचने लगे और अपना स्ट्रैटेजीज अपनाने लगे मिस्टर एडगर एस वुलार्ड हु फाइव ईयर्स अगो डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर तो दैट दिस गाय जिनका नाम है मिस्टर एडगर एस वूलार्ड उन्होंने पाँच साल अगो अपने आप को मतलब पाँच साल पहले अपने आप को डिक्लेयर करा कि वो कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हैं और उन्होंने बोला आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस तो उनका कहना यह है कि जो उनके कंटीन्यूड एग्जिस्टेंस हैं मतलब उनकी जो कंपनी अभी तक एग्जिस्ट कर रही है एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर मतलब वो अभी तक टॉप पे है उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि तुम साथ के साथ एक्सेल करो एन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में कि हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस भी रखो अपनी तरफ से इन्वायरमेंट को भी प्राइरिटाइज करो ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाई माइग्रेट थाचर ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ अ प्राइम मिनिस्टरशिप तो अभी तक जितने भी स्टेटमेंट्स बोले गए हैं मार्गरेट थाचर के थ्रू जब वो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के ईयर्स में उन्होंने जो बोला था तो नन पास सो डिसाइसिवली मतलब इतनी एक भी कुछ पास नहीं हुआ मतलब बिल्कुल ठान लेना इन टू द करेंट कॉइन ऑफ इंग्लिश एजिश वर्ड्स जैसे उनके जो फेलिश वर्ड्स थे मतलब बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बोले जाने वाले वर्ड्स तो बेसिकली कि ये जो लाइन वो बोलेंगी वो बहुत ही ज़्यादा मानी गई वाली लाइन है क्योंकि वो बहुत ही सोच समझ के बोली गई है और बहुत सच बात बोली गई है नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ मतलब कि किसी भी जनरेशन के पास अर्थ को फ्री होल्ड करने का कोई हक नहीं है मतलब केयरलेसली uh, उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको कंप्लीटली ऐसे ही यूज करने का कोई हक नहीं है ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज मतलब वो कहती है कि हम सारे के सारे यहाँ पर रेंट पे रहते हैं और हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम तमीज़ से जितना भी हमने रिसोर्स यूज करे वो वापस उनको देकर जाए इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्राम आर फो फादर्स वो कहते हैं कि हमने इनहेरिट नहीं किया है हमारे फोर फादर्स से जो हमसे पहले रह के गए हैं अर्थ पे वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रेन हमने उल्टा अपने बच्चों से उसे बोरो किया है क्योंकि आगे उनको यूज करना है अर्थ को यूज एज एन विध रिस्पेक्ट एंड तमीजे एंड लाइक चेरिश इट सो इस चैप्टर में हमने देखा है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे हमारे जो फोर सिस्टम्स है वो कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अगर वो जैसे डिप्लीट हो गए तो हमारे साथ क्या हो सकता है देर सो मेनी फैक्टर्स जो हमारे अर्थ को इतना ज्यादा बुरे हाल में डाल रहा है अर्थ इज बेसिकली डिप्लीटिंग इन एवरी रिसोर्स सो वॉट वी हैव टू डू इज बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल तो ये जो एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें हम सबके सब अच्छे से रिसोर्स को यूज करेंगे और बेसिकली लास्ट में जो हमने लाइन पढ़ी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे वी हैव नॉट इन्हेरिटेड दिस अर्थ फ्राम आर फोर फादर्स हमारे जो बड़े बूढ़े गए हैं हमने उनसे इन्हीरिट नहीं किया है वी शुड नॉट यूज़ इट केयरलेसली इन स्टाइल हमें यह देखना चाहिए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके पास भी इतना रिसोर्स बचे कि वो अच्छी लाइफ जी सके सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर